राम राम जी सारे भाइयों ने, दीपक सिहाग की औरतें और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिहाग मुरा फार्म पे। तो पार्ट वन में देखी बादल भाई के साथ थे भाई, एक डेयरी फार्म दिखा, बहुत बढ़िया काम कर रहा है और इनके चाचा जी का मतलब इन्हीं का डेयरी फार्म है। पार्ट टू है इसी डेयरी फार्म से। और एक बार पहले तो भैंसे दिखा दो भाई, चोकर दो एक बार कैमरा घुमा दे। पहली बात तो गिनती में नहीं आओ, ताऊ नो बेरानी है कि कितनी है, सारी की सारी गिनती पूछेंगे। इधर आ जाओ ताऊ जी, एक बार कैमरा इधर कर दे भाई। एक बार नुकारन हरियाणा का काला सोना मुर्रा भैंस होया करे, अरे सोना का जो सुनार है मालिक है यानी कि उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार भाई, एक बार दर्शकान और कर दो जी। राम राम भाई सब ने। अच्छा अपना एड्रेस और दे दो एक बार। ये अपना जिला सोनीपत, ठीक है, तहसील गुहाना। तहसील गुहाना और गुहाने के अंदर कौन सा एरिया लगभग? ये देवीपुरा, तेजपुरा, देवीपुरा। अच्छा देवीपुरा, ठीक है, देवी नगर भी बोलते हैं। हाँ देवी नगर भी बोलते हैं, ठीक है। और साथ में अपने बादल भाई हैं भाई, एक बार राम राम कर दे। राम राम सभी भैया ने, YouTube फैमिली ने, सारी ने राम राम। तो अच्छी अच्छी बातें सीखने ने मिले हैं भाई, और आज कुछ अच्छा सीखेंगे। तो जी कब स्टार्ट कर रहा था अपना डेयरी फार्म भाई? ये तो हमारे दादा ने कर रहा था। दादा ने कर रहा था, ठीक है, 1960 में। क्योंकि आप जानकारी मना भी होगी, ताऊ जी तो मिले थे। तो अपना दूध का काम है, सेल परचेज का कैसे? दूध का तो जो कर रही है, दूध जर दूध का भी है और भैंस भी बेचे हैं। अच्छा भैंस भी हो जाओ, ठीक है। तो सेल परचेज का और अपना ये जो हमारे ले जाकर दूध बेचे हुए भी तो काम है। सही बात है। और राधा जोटी थी जी इनकी, जो कि कुरुक्षेत्र में भी चैंपियन बनी थी मेरे ख्याल से, और पहले भी नरवाणा बनी थी शायद पिछली बार, ठीक है। वही अंदर बंद रही है। अच्छा अंदर बंद रही है, ठीक है। तो कंपटीशन भी लड़ाया करो, हाँ ठीक है। तो एक बार तो सबसे पहले ये बताओ, जो व्यापार करना चाहता है उनके लिए क्या दो शब्द की कहोगे? भाई व्यापार का तो बढ़िया काम है, वैसे चोरा तो बचना पड़ेगा। अच्छा चोरा तो बचना पड़ेगा, हाँ, घटक कुकर देखेंगे भाई जो है वो तो देखना पूछना पड़े, तसल्ली करनी पड़े, हर चीज देखनी पड़े। हाँ बस ये आने के आदमी जी नीयत बहुत खराब होगी, लोग नीयत बहुत खराब होगी, हालात गलत हो गए आज के दिन। ठीक बात है। आदमी छह ट्रक भरते हैं, छह ट्रक हो जाए करोड़ के, हाँ लगे हैं छह ट्रक, ठीक है। और फिर आदमी दबदा चला जा है, चोर रुपये देकर राजी नहीं, रुपये देकर राजी नहीं। कुछ आदमी हैं जो खानदानी हैं, वो घर आए बैठे बैठे पहुँचावे, ठीक है, ठीक है। हाँ सिद्धांत हो जाओ जी अपने अपने। हमने भी बड़ी आदमी जो अपने हैं उनने तो ताल्लुक रख रखे हैं, अब बाकी बन के, हाँ बाकी काम उस आदमी ने कम कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बताई जी, जमाना बहुत खराब आ गया, नियत खराब है। बिल्कुल देख रेख का काम करो बढ़िया, उन रुपये मिले नहीं आदमी ने, महस मिल जाए, महस मिल जाए, मेन बात यही है। बिल्कुल सही बात बता दीजिए। आ जाओ फिर एक बार डेयरी फार्म दिखा दो अपना, आ जाओ जी, आ जाओ भाई एक बार दिखा दे भाई, कोने तो लग जा। भैंस कितनी है टोटल ताऊ जी अपना? भैंस तो दोनों डेयरिया में होंगी मेरे ख्याल में 250-300 तक। अच्छा 250-300। बुल कितने हैं? बुल तो एक बार दिखा दे भाई, ये दिखा दे भाई, सारे की सारे भैंसे हैं, लगभग दूध वाली हैं, ताज़ा ब्याई हैं, सेल परचेज वाली भी है, कोई लोट की है, और ऐसे ही चलती रहो सारी की सारी, कोई कंपटीशन की भी है। आ जाओ भाई इधर आ जाओ। अरे यू कह रहे जो कर आम किसान तूड़ी आलम तूड़ी ठो क्या करे, नू कूड़ा में मैं ठोकर रखी है। इतनी भैंस शायद ही किसी फार्म पर मिलेंगी। तो जी बताओ यहाँ पर कौन सी भैंस रख रखी है? ये अरे दूध वाली है। अच्छा दूध वाली है, ठीक है। कटड़ी वगैरह है? हाँ कटड़ी है, ठीक है, ठीक है। और खास बात ये है जी, सुविधा भी सारी की सारी यूँ नहीं है, जितने ज़्यादा पशुओं भी असुविधा होगी, दिक्कत आ रही है, ऐसी कोई बात नहीं होती। और ये दिखा दे भाई अंदर चले एक बार दिखा दे। अच्छा आ जाओ उसी के पास चलना फिर एक बार, चलो चलते हैं जी, ये चलते रहो भाई। ये धार काट ले गया इसकी, हाँ दूध निकाल लिया होगा तो ये काट ले गया। धार काटने बच गए, ले गया। साइज देखो भाई एक बार, ये मैं बताना चाहूंगा, कुरुक्षेत्रा की चैंपियन थी, मिल्क ब्यूटी में फर्स्ट रही थी, एक तरफा मुकाबला था, बहुत ज़बरदस्त फट दिया। बिल्कुल दूध दे देखा हूँ इसका, साल की जाएगी। कोई बात नहीं जी, लेट सेट होते रहो हैं। अच्छा ऐसे गाय भी रख रखी है अपने, ठीक है, एक अभी दूध चलता रहा है। 11 महीने की ब्याई होगी। अच्छा 11 महीने की ब्याई की। अरे काले भाई के गया ने? अरे भाई के बताऊं, झोटी लाया था 20 किलो दूध वाली, और मेरे घर 13 किलो दूध तो ऊपर नहीं जा रही। और सुन खड़ बिंदोला सबके में खुवा के देख लिया, पर दूध तो नहीं चल रही। अरे बावड़े भाई क्यों दुखी हो रहा है?
तू एसआर कैटल प्लांट आ रसदारा फीड खिला जिससे तेरी भैंस अच्छा और पूरा दूध देगी। और पशुपालक भाइयों, यह बात मैं सिर्फ काले तो नहीं आप सब तभी कहना चाहूँ, रसदारा फीड खिलाओ और अच्छा दूध पाओ। और ज्यादा जानकारी के लिए 9543 पूरा 800 पर संपर्क करें। कितना दूध होगा ताऊ जी? ये भी 11 ही पहले गया वो बाल्टी भर के। अच्छा अच्छा ठीक है, तो 11 महीने की बाई ने भी अच्छा दूध दे दिया, यह भी बढ़िया बात है। इसके नीचे के है? नीचे कटड़ा। अच्छा कटड़ा है जो आपने बताया था तैयार कर रहे हो। हां ठीक है ठीक है। ये इनके कंपटीशन की चोटी है भाई, नाम भी बहुत अच्छा कमाया है। या 23 खरकी दिया था इसने। ठीक है जी। मखंड वाली है? मखंड वाली, ये भी फेमस मस्ती जी। चल और अच्छी खासी है, हरियाणा की जानी मानी पहचानी भैंस है। दूध भी अच्छा दिया था और काम भी बहुत बढ़िया किया था इसने। आ जाओ जी आगे गान खाइए। चल ये हो तो। अच्छा ये वो कटड़ा है, रादा वाला। ठीक है ये देखो जी, कटड़ा मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, उस टाइम पर छोटा था शायद। कितने महीने का था? मुझे तो 2-3 महीने का ही शायद था, छोटा ही था। और अब देख लो भाई, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है और अच्छा तैयार हो रहा है। इसको कंपटीशन तैयार करोगे या सेल कर दोगे ये बताओ? मैं बस इसने तो रखे रहेंगे केक। अच्छा अच्छा, फादर कौन है एक बार बताओ? वो अपने उसका राजू बोलता था। अच्छा ठीक है, उसका ही बेटा है। तो अच्छा तैयार कर रहे हैं जिसने भी, और दूध वाला करड़ा है। आग कैसा तैयार होगा वो सारी की सारी पूछांगे भाई, आगे दिखाते रहोगे, एक बार दिखाते रहोगे। आ जाओ ताऊ जी आगे आ जाओ, उधर चलाएंगे। यह कटड़ी थी 19 महीने बीमार होगी। ठीक है, बीमारी शिमारी भी बहुत चलती रहो जी। 19 महीने ग्रोथ देखियो भाई एक बार, गोरते छोटा सींग है, हाइट वाइट बहुत ज्यादा है, पेट पुट्ठा बहुत बढ़िया है। खीरी हो गई अभी तो मेरे? हां 19 महीने की है, आधी हो गई, आधी कोती आधी। तो कंपटीशन लड़ा नहीं? नहीं लड़ा। इसको देखेंगे कंपटीशन हो लिए थे सारे, सारे हो लिए थे। अच्छा अच्छा, सारे हो लिए थे। बाहुबली की है। ठीक है ठीक है, बाहुबली की है, बहुत बढ़िया हो रही है जी। तो आगे तो मतलब खीरी कटड़िया में एक तरफा हो जाओगी, खूब अच्छी हो जाए। तो कुछ भी गुनगाड़ी बहुत तगड़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल, आ जा भाई साथ की साथ आता रहे। ये देखो जी, ये देखो भाई आगे भी नेक्स्ट साइड नौड़ा टूड़ा भर दिया। अच्छा टूड़ा भर दिया क्या वहाँ पे? हाँ आप पिछली बार आए थे। पड़ा है थोड़ा। हाँ जो भर दिया पतला था वो भर दिया कि मैं बाहर ला रखे। ठीक है ठीक है, आ जाओ जी। तो बहुत भैंसे हैं भाई, डाइट का भी। अच्छा आप कितने टाइम डाइट दो इन भैंसा ने, कितने टाइम चराओ? दो टाइम। अरे ओ खाकड़ चढ़ा मैं पे बाजे। ये देखो जी, ये देखो भाई पीछे एक बार दल सिंह एंड दलवीर डेयरी फार्म है, गोहना डिस्ट्रिक्ट की ने सारा बता। एक ये चांदवीर बुल था इनके पास, ऑल इंडिया चैंपियन हुआ था, पटियाला सोनीपत भी चैंपियन हुआ था। और बाहुबली बुल था वो भी शायद आपके पास ही अभी तो। हाँ बाहुबली अगर जिसने देखा होगा वो पहचान भी लेगा। ये है दनोदा वाला बुल, जो कि कौन से बुल का है जी? अर्जुन का, अर्जुन कुंगड़ का। खड़े करिए खड़े। तो ये एक अर्जुन कुंगड़ का बेटा है भाई, दनोदा गांव से लेकर आया था उसी। और बहुत बढ़िया, एक बार दिखा दे भाई गर्दन वगैरह सींग वगैरह बहुत बढ़िया तैयार कर रखा। ये देखो हाइट लेंथ बेशुमार है, बहुत ज़बरदस्त बनेगा आगे जाके। ताऊ जी क्या कहना चाहोगे बुल के बारे में? बुल तो भाई गजब है। अच्छा गजब है, शरीफ गणा है। ठीक है, शरीफ बहुत ज़्यादा है। हाँ ठीक है जी, आगे कंपटीशन की तैयारी? कंपटीशन का तो देख भाग की बात से। ठीक है अजय, वो हमने यो पसंद है। अच्छा पसंद है। हाँ अनु निकाल रही हूँ, हमने पसंद है। हाँ तो आगे नंबर ना हो कोई बात नहीं, उसका तो कैमरा भाग की बात, कोड़ में किस्मत किसकी हो गया। बाकी हमारे पसंद है चौड़ाई चुड़ुई और एक शरीफ, जो इस पे जो महस बन गई कोई सी भी। हाँ तो कुछ भी बनेगी। अच्छा ये सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है जी। इधर ले आ भाई कैमरे को एक बार। तो जी ये था डेयरी फार्म, मैंने दिखा, लेकिन मेरे ख्याल से गोहाना का ये डेयरी फार्म हरियाणा के लगभग जितने बड़े डेयरी फार्म हैं उनमें से सम्मिलित है। तब जो और कुछ कहना चाहोगे? जितनी कह दी सारी कह दी। तो व्यापार कर लो भाई, बादल भाई ने बताया जैसे ताऊ जी ने बताया, छोटी पूंजी तो स्टार्ट करो। आपकी इच्छा है, आपको लगता है कि आप इसमें कुछ कर सकते हो तो करो, वरना कोई जरूरी नहीं है। बात करना चाहो तो इसमें बहुत कुछ है। अच्छा बहुत कुछ है। हाँ
सही बात है, फिर ध्यान लाना पड़ेगा। हाँ हाँ, और भाई काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जब जहाँ काम चल रहा हूँ तड़की माखी काटी उसमें कौन चल रहा है, उसमें काम कौन है। अब बादल भाई हो रहे हैं भाई, लेकिन मेरे ख्याल से 200-300 लेकिन अब यार 24 घंटे हम तो 17-18 घंटे तो सिर्फ अपना डेयरी फार्म नहीं देंगे, यही बात है। बिल्कुल यही बात है, टाइम देना पड़ेगा, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, टाइम भी देना पड़ेगा। हर एक और है भाई, व्यापार का काम ही सा है, अगले ही कम मानो, जो भी महेश दवान जा दलाल है जो कोई है, अपने दिमाग से जो काम करेगा ना, ठीक है, वो ही लले वो अच्छा। हाँ, अगला तो को कह दे मारी 20 दिया 21 दिया, आड़ा दे 12-13 किलो पर जे है, ठीक है। ईसा तो आजकल सब 20-22 तक घाट को बताता नहीं, कोई बताता है, साचे लोग घाट रह रहे हैं, यही बात है। तो अपने दिमाग से और अपने तजुर्बे से हर एक चीज हिसाब से अपना काम करो, ठीक है, ठीक है। वही बात है भाई, नींव बढ़िया डालो, सिद्धांत बढ़िया रखो, आपका साम्राज्य अपने आप खड़ा हो जाओगा। हो सके उसमें 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, 25 लाख के साथ उम्र लग जाए, वो आपकी लग पा बात है, ठीक है जी। सभी साथियों को नमस्कार, ठीक है ताऊ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है बादल भाई, मिलते रहेंगे। तो सभी बिल्कुल आते रहो, हमें नई नई बात, एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी आप लोगों में भी, युवा पशुपालक को काम करते वक्त, सही है जी। सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम जी।